हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज शाओमी की तरफ से है। तो आज शाओमी ने अपने 3 नए फोन्स ग्लोबली लॉन्च कर दिए हैं, जहां पर उन्होंने लॉन्च किया है मी 10 प्रो और उसके साथ साथ मी 10 सीरीज का नया फोन भी लॉन्च किया है और उसका नाम है मी 10 लाइट 5G। उन्होंने मी 10 लाइट 5G को भी ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। इसमें हमें स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर मिलता है। इसमें हमें क्वाड रियर कैमरास मिलते हैं, जहां पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर भी मिलता है और इसकी प्राइस है 349 यूरो, यानी कि करीबन 28,000 रुपीज। दोस्तों, आपको मी 10 लाइट 5G कैसा लगा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज रेडमी की तरफ से है। तो आज रेडमी का एक नया फोन सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है और पता चला है कि इसका नाम होने वाला है रेडमी नोट 9 5G। 5G के साथ रेडमी नोट 9 लॉन्च होने वाला है और ये लॉन्च होने वाला है चाइना में। और पता चला है कि इसमें हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 का प्रोसेसर मिलने वाला है। ये इंडिया में भी आएगा, बट मुझे लगता है कि इसका नाम रेडमी नोट 9 5G नहीं होगा जब ये इंडिया में आएगा। उसका नाम कुछ और वो लोग रखने वाले हैं, क्योंकि रेडमी नोट 9 प्रो एंड रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और उसमें 5G नहीं है और इस फोन में 5G होने वाला है। इसी वजह से वो लोग इसका नाम कोई और रखने वाले हैं जब ये इंडिया में लॉन्च करेंगे। अगली न्यूज हुआवे की तरफ से है। तो हुआवे ने P40 सीरीज लॉन्च कर दी है, जहां पर उन्होंने 3 फोन्स लॉन्च किए हैं और ये फोन्स है हुआवे P40, P40 Pro एंड P40 Plus। तीनों फोन्स में किरिन 995G का चिपसेट मिलता है और तीनों फोन्स में हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है। P40 में हमें ट्रिपल रियर कैमरास मिलते हैं, प्रो में मिलते हैं हमें क्वाड रियर कैमरास एंड प्रो प्लस में मिलते हैं हमें पेंटा कैमरास और तीनों में ही हमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है। हुआ है P40 में 3800 mAh की बैटरी मिलती है एंड P40 Pro एंड P40 Pro प्लस दोनों में ही हमें मिलती है 4200 mAh की बैटरी, बट प्लस एडिशन में हमें 40 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। हुआ है P40 में 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है और ये डिस्प्ले फ्लैट डिस्प्ले है और इसमें हमें 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। P40 Pro एंड P40 Pro Plus में मिलती है 6.58 इंच की OLED डिस्प्ले और ये डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले है, इसमें भी हमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। हुआ है P40 की स्टार्टिंग प्राइस 75,000 रुपीज है, P40 Pro की स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपीज है एंड P40 Pro Plus एडिशन की प्राइस 1 लाख से भी ज्यादा है, यानी कि तीनों फोन्स की प्राइस बहुत ज्यादा है और ये इंडिया में भी सून लॉन्च होने ही वाला है और ये जब लॉन्च हो गए इंडिया में तब इसकी प्राइस भी हाई होने ही वाली है। उसके साथ साथ हुआवे ने अपना स्मार्ट स्पीकर भी लॉन्च किया है और हुआवे ने अपनी स्मार्ट वॉच को भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आपको हुआवे के प्रोडक्ट्स कैसे लगे, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास OnePlus, Realme, Huawei या फिर Honor का फोन है और उनकी वारंटी पीरियड मार्च या फिर अप्रैल में खत्म होने वाली है, तो दोस्तों उन यूजर्स के लिए वारंटी पीरियड एक्सटेंड हो चुका है और ये एक्सटेंड हुआ है 31 मई तक, क्योंकि इंडिया लॉकडाउन है, इसकी वजह से इन कंपनी ने कर दी है उनकी वारंटी पीरियड एक्सटेंड। अगली न्यूज OnePlus की तरफ से है। तो OnePlus 8 सीरीज में हमें नया कलर ऑप्शन मिलने वाला है और ये कलर है ग्रीन कलर और इसकी फोटोग्राफ भी लीक हो चुकी है, वो फोटोग्राफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको OnePlus 8 का ये कलर कैसा लगा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अगली न्यूज ओप्पो की तरफ से है। तो हमें पता है कि ओप्पो की स्मार्ट वॉच कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है और वो लोग अब लॉन्च करने वाला है अपना पहला फिटनेस बैंड और उनका फिटनेस बैंड कैसा दिखेगा वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या आप लोग ओप्पो के फिटनेस बैंड के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज ओनर की तरफ से है। तो आज ओनर ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ओनर 30S में 40 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है और इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलने वाला है और ये फोन 30 मार्च
को चाइना में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग इस फोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।